Friends, this is our second lecture series of class 10th, which is based on your topic series and parallel combination. That is, in this series I am going to discuss the series and parallel combinations numericals, that is the numerical which is generally based on series and parallel combination. So students, without wasting time, let's discuss by taking some example. Clear? So here students, here I have already mentioned the figures. Okay, so many figures are there, that is but there are four figures, so which we are going to find equivalent resistance. Okay, and in some figures we are also find the value of that current. Clear? So let's just discuss. स्टूडेंट, यहाँ पे एक मैंने फिगर मेंशन किया है जिसमें ए सी बी एक आर्म है. ठीक है, जिसमें हमने ये दिखाया है कि यहाँ पे 3 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम एंड 3 ओम का रेसिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, और ये हमारा फिगर का अरेंजमेंट है. क्लियर? तो हमने एक इमेजिनेशन किया है कि ये करंट, ठीक है, इमेजिन आप भी कर सकते हैं कि ये करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, ये आर्म से चलती है जो कि 3 ओम रेसिस्टेंस के थ्रू जाती है, तो यहाँ उसे जंक्शन मिलता है. और करंट का नेचर है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस. तो टू आर्म, ठीक है, टू एम्पियर वाले आर्म में थोड़ी सी करंट इधर चली गई, टू आर्म वाले में थोड़ी सी एम्पियर, टू एम्पियर या जो भी मान लो, टू एम्पियर, थ्री एम्पियर, फाइव एम्पियर, जैसा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट हम मान रहे हैं कि अभी थोड़ी सी करंट इसमें चली गई है और रेस्ट रिमेनिंग करंट इस आर्म में चली गई. अब वो सी के थ्रू होते हुए टू में आएगी, तो इसका मतलब है टू एंड टू जनरली ये क्या है, एक रास्ते में है. ठीक है, तो एक रास्ते में आने वाले करंट मतलब है रेसिस्टेंस कैसे होते हैं, सीरीज में होते हैं. क्लियर? तो टू एंड टू ओम कैसे हैं सीरीज में, दैट इज सिंपली आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आर की वैल्यू सीरीज में क्या होती है, सिंपली हम जोड़ देते हैं. ठीक है, आर वन प्लस आर टू कर देते हैं, तो यह हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाता है. क्लियर? तो इसका मतलब है यहाँ पे टू प्लस टू कितना होगा, फोर, जिसको कि हमने एक नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे 4 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे डेवलप हो जाएगा. तो यही जो फिगर यहाँ पे था वो सेकंड पार्ट में इस फिगर में इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया. इसका मतलब है यहाँ पे 4 लगा हुआ है और यहाँ पे 2 है और ये आपस में 3 3 कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. क्लियर? तो हम क्या करते हैं कि हम ये जानते हैं कि 4 और 2 आपस में दो रास्तों से हैं. ठीक है, दो रास्ते हैं यहाँ पर, तो दोनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. क्लियर? तो अगर कोई चीज़ पैरेलल में होती है तो हम उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, नेचुरली आर इक्विवेलेंट क्या होता है, दो रेसिस्टेंस के लिए आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू. बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 × 4 डिवाइडेड बाई 4 + 2, दैट इज़ ये हो जाएगा सिंपली 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाई 4 + 2 कितना 6, तो 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, दैट इज़ 4/3 ओम, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 4/3 ओम क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड होगा. क्लियर? तो यहाँ पे 3 3 मेरे पास रेसिस्टेंस है और एक 4/3 है, तो इसका जो नेट इक्विवेलेंट लास्ट में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वो कितना मेंशन करेंगे, R इज इक्वल टू सिंपली R1 + R2 + R3. इसका मतलब है मेरे पास 3 + 3 + सिंपली 4/3. क्लियर? दैट इज 6 + 4/3. आर यू श्योर? दैट इज 3 6 = 18, तो 18 + 4 / 3, दैट इज़ सिंपली मेरे पास 22/3 ओम नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चंस का आपका सल्यूशन होगा. क्लियर? सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा. सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वाई? Because generally you know that always in board examination the question will be asked like that, find the current in 8 ohm resistance, that is 8 ohm resistance के across तुम्हें current की value find करनी होगी. Clear? समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या है भाई, 24 ohm के across हम current की value find कर सकते हैं, 14 ohm के across current की value find कर सकते हैं. Clear है? तो नेचुरली क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे. ठीक है, मतलब है हमको क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए. ठीक है, और हमारे पास वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट हमारे पास ये दे रखा है. ये देखो, यहाँ मैंने मेंशन किया कि वी की वैल्यू 12 वोल्ट है. क्लियर? तो हमें आर
मालूम अगर कर लें यहाँ पे, अगर आर हमको ये मालूम हो जाए और हमारे पास वी है तो हम क्या लगा सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर सिंपली लगा सकते हैं और आई के थ्रू हम वी बाई आर करके हम अपना करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब खुद सोचो कि अगर करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, करंट यहाँ से जा रही है, तो करंट इस आर में पहुँच कर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से करंट क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड होगी तो कुछ करंट 8 में चली जाएगी, कुछ करंट 24 में। अब ये करंट जब आएगी तो यहाँ पर मिक्स हो जाएगी और एक इक्विवेलेंट करंट जो दोनों का कंबाइंड करंट होगा वो सेम इस आर में फ्लो होगा, क्लियर। इसका मतलब है ये दोनों आपस में अलग अलग हैं, पैरेलल हैं, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। बाकी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इसके साथ कैसा होगा, सीरीज में हो जाएगा, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सिंपली एक फार्मूला आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, बहुत ही सिंपल। तो आपने क्या किया, आर वन यहाँ पर कितना 8, आर टू कितना है 24, तो यहाँ पर आप क्या करिए 8 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 24, ठीक है। तो नेचुरली आपको भी मालूम है कि 8 इंटू 24 को हम मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, देखो 8 इंटू 24 ऐसे लिख लो, ठीक है, और ये 8 प्लस 24 32 हो जाएगा, क्लियर। अब 8 4 जा 32, 4 6 जा 24, ठीक है। तो आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, R इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया, ठीक है, 6 ओम। इसका मतलब है इस पूरे आर्म की जगह पे, मतलब है इस पूरे आर्म की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इस 6 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, जो कि 14 के साथ कैसा होगा, सीरीज़ में होगा, है ना। तो इस फिगर में जो नेट इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट लास्ट में आएगा, आर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा, आर वन प्लस आर टू। इसका मतलब है R इक्विवेलेंट तो हमने एक निकाल लिया है, ठीक है, जो कि किसका है, इस सर्कल का, जो हमने यहाँ पे सर्कल किया है, तो सर्कल वाले का 6 है और यहाँ 14 है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, बताओ, खुद ही बताओ, 6 प्लस 14 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 20 ओम रेसिस्टेंस आपके पास R इक्विवेलेंट आ गया, क्लियर। अब आपके पास क्या है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, बोलो कितनी है, 20 ओम है। तो आप बताओ I बराबर क्या होगा, और V बाई R होगा, और V आपको मालूम है कितना है, 12 है बाई 12 है, और R की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो नेचुरली क्या होगा, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, और 5/3 को लिखेंगे 0.6 ओम, बताओ, क्लियर। अब आपके पास I की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 6, दैट इज 0.6, ठीक है। अब करंट की यूनिट आप जानते हैं एम्पियर होती है, तो 0.6 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। अब आप, एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, खुद सोचो कि इस आर में, जो आपका आर्म यहाँ पे है, जिस आर में करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो नेचुरली टोटल करंट कितनी चली है मेरे पास, आपको भी मालूम हो गया कितनी है करंट की वैल्यू, 0.6, ठीक है। तो करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इस आर में, इस आर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो कुछ करंट यहाँ जा रही है, कुछ करंट यहाँ जा रही है, क्लियर। इसका मतलब है 0.6 का ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन वही करंट जो 0.6 है वो एग्जैक्टली 14 ओम में आपका कितना करंट जा रहा होगा, 0.6 ओम। इसका मतलब है अगर मुझसे 14 ओम में करंट की वैल्यू पूछता, ठीक है, तो हम बता देते कितना आंसर, डायरेक्ट 0.6 एम्पियर, ठीक है, 0.6 एम्पियर हम डायरेक्ट बताते। लेकिन चूंकि हमें यहाँ बताना है, इसलिए हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मालूम है इसका, कि किसका, 8 प्लस 24 का, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें मालूम है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि इस वाले पॉइंट के अक्रॉस, ठीक है, इन दोनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ होगा। तो नेचुरली आपको भी पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ होगा, बी बराबर आई आर हुआ होगा, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू आई की वैल्यू 0.6 है और आर की वैल्यू कंबाइंड कितनी है, आपको भी पता है 6 ओम है, तो 6 6 का कितना हो गया, 36, है ना, दैट इज 3.6। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, 3.6, मतलब है इसके अक्रॉस जो 8 ओम और 24 ओम है, इसके अक्रॉस 14, ठीक है, मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, उसके क्रॉस पोटेंशियल 3.6 ड्रॉप हुआ है। तो भाई पोटेंशियल यहाँ से लेकर यहाँ तक
तक का तो सेम होगा। इसका मतलब है अगर हमें इस आर में करंट निकालनी है 8 ओम रेसिस्टेंस में, तो हमें करंट की वैल्यू के लिए फिर से क्या निकालना पड़ेगा, आई, और आई क्या होता है बताओ, वी बाई आर। क्लियर? तो यहाँ पे आर वन रख दो, तो वी की वैल्यू कितनी है 3.6, आर वन की वैल्यू खुद बताओ कितनी है, हमने 8 लिया है, ठीक है, तो अब डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे जब तुम डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.84 जा 32 एंड 8 5 जा 40, दैट इज 0.45 एम्पियर की करंट जो होगी वो 8 ओम के अक्रॉस फ्लो होगी। इसका मतलब है कि हमारा जो ये क्वेश्चन था यहाँ पे इसने जो मेंशन किया था उसका आंसर कितना है, 0.45 एम्पियर। आर यू एग्री? डेफिनेटली, ठीक। तो स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। क्लियर? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आपको, आपको भी मैंने मेंशन किया है कि इफ वी बेंड ए वायर इन ए सर्कुलर शेप, अगर हम एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, ठीक, इसको अगर हम एक सर्कुलर शेप में, दैट इज इस फॉर्म में इसको बेंड करते हैं, तो क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इफ इट्स इनिशियल रेसिस्टेंस इज आर, मतलब है इसका रेसिस्टेंस हमको दे रखा है आर है, तो ये पूछ रहा है, ठीक है, उसका रेसिस्टेंस आर कितना होगा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस जब इसको बेंड कर देंगे, ठीक है, सो क्वेश्चन विल इनकम्प्लीट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ये मेंशन करना होगा किस पॉइंट्स के अलांग, तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए अलांग इट्स डायमीटर, अलांग इट्स डायमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे डायमीटर के अलांग मतलब है इस वाले पॉइंट के अलांग हमको क्या करना है, ए और बी के अलांग इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको मेजर करना है। क्लियर? तो इसमें होगा क्या भाई, नेचुरली खुद सोचो कि टोटल रेसिस्टेंस इसका आर था, तो इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक हाफ पार्ट ऊपर लेके चले गए, एक हाफ पार्ट नीचे लेके चले गए। अब भाई आर को टू पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, तो आर बाई टू प्लस आर बाई टू सिंपली, इसका मतलब है नीचे वाले का रेसिस्टेंस कितना है आर बाई टू और ऊपर वाले का रेसिस्टेंस कितना है आर बाई टू। अब चेक करो हमें ए से बी पे जाना है, रास्ते कितने हैं भाई, रास्ते दो हैं, एक ये और एक ये, तो सिंपली ये दोनों आपस में कैसे हैं भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या नहीं है, नेचुरली पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट हमने कितना बताया है बताओ, आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू सिंपली, ठीक है। तो आपके पास क्या है भाई, आर बाई टू इंटू आर बाई टू सिंपली आर बाई टू प्लस आर बाई टू, खुद बताओ कितना होगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बाई फोर होगा, नेचुरली यहाँ पे होगा सिंपली आर, तो वन आर से वन आर कैंसिल, दैट इज़ इफेक्टिव रेसिस्टेंस आपका कितना आ गया आर बाई फोर, दैट इज़ आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई आर बाई फोर हो गई। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। क्लियर? अगर आपको किसी भी सिमेट्रिकल फिगर को पूछे, उसको हमने ट्रायंगुलर शेप में से चेंज कर दिया है, तो सिंपली अगर ट्रायंगुलर शेप में बदलोगे तो ट्रायंगुलर शेप में क्या होगा, एक ट्रायंगल हो गया है ना, तो इसकी लेंथ जो है वो सिंपली हो जाएगी आर बाई थ्री, यहाँ पे आर बाई थ्री और आर बाई थ्री। अब तुमसे पूछ लेगा कि इसमें से ट्रायंगल के तीन आर्म जो बने उसमें से ए और सी के अक्रॉस रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, ये आपके लिए मतलब है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सो स्टूडेंट प्लीज़ लिसन इट, ठीक है, अंडरस्टैंड इट द टॉपिक इन ए वेरी इजी मैनर एंड प्लीज़ फॉरवर्ड इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।